हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल SMIA पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एक लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक की, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक की, दैट इज़ ABB इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक में कल माइनर रैली देखने को मिली है फ्राइडे के दिन, और ये स्टॉक 3142 के लेवल पे क्लोज हो गया है। तो आइए इसके लेटेस्ट ट्रेंड चेक कर लेते हैं। इसकी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देख लेते हैं कि आने वाले दिनों में इसके क्या टारगेट रह सकते हैं, और आपको इस स्टॉक में किस तरह की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो सारे डिटेल एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले, नए आए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक भी कर दें। सो आइए सबसे पहले इसके स्टॉक की ही पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो फ्राइडे के दिन एक बहुत ही रेंज बाउंड काम होता दिख रहा है, और फ्राइडे का पैटर्न देखो, यहाँ पे भी 3200 का लेवल एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, और ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लोअर लेवल पे 140 के अराउंड इसका जो है सपोर्ट जोन है, तो ये स्टॉक बहुत ही रेंज बाउंड काम करता दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल 5 डे में 1.61% की गिरावट है। यदि 1 मंथ का डाटा देखें, 12.11% की रैली इसके चार्ट में दिख रही है। स्लोली स्टेडली इसके चार्ट में रिकवरी है, लेकिन 3200 का लेवल एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। 6 मंथ का डाटा देखो, यहाँ पे भी वॉलेटिलिटी है पहले गिरावट के बाद, अब जरूर इस स्टॉक में कुछ रिकवरी देखने को मिली हुई है। तो 1 ईयर का डाटा देख लेते हैं। 1 ईयर में 45% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है, लेकिन इस स्टॉक ने क्लियरली पॉजिटिव मोमेंटम शो कर दिया है। लेकिन पिछले कुछ मंथ से इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी है, 6 मंथ में नियरली फ्लैट ट्रेंड ही है। तो ये स्टॉक में फ्लैट ट्रेंड होने के बाद भी लॉन्ग टर्म का डाटा पॉजिटिव है। यदि 5 ईयर्स का डाटा देखो, और भी बढ़िया रिटर्न्स है, तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक है। 5 ईयर्स में 144% के रिटर्न्स हैं, और यहाँ पे देखो मैक्सिमम देखोगे 3390% के रिटर्न्स हैं। तो दोस्तों, ये ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनमें बहुत ही कम वोलेटिलिटी होती है। तो यदि आप रिस्क फ्री पैसा बनाना चाहते हो, तो इन स्टॉक्स में सिप करें। लॉन्ग टर्म में देखो कितने शानदार रिटर्न्स हैं। 1 लाख को इस स्टॉक ने 34 लाख से भी ज्यादा कर दिया है, नियरली 35 लाख में कन्वर्ट कर दिया है इन द लॉन्ग टर्म। तो ये होती है लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। तो आइए बात करते हैं इसकी लेटेस्ट न्यूज़ की। दोस्तों, इसमें आजकल एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल रही है। यहाँ पे देखो, ABB टू इन्वेस्ट ₹1000 करोड़ इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अब ये कंपनी जो है 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने जा रही है इन नेक्स्ट 5 ईयर्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी करने जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि ये कंपनी आप देख सकते हो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑटोमेशन कंपनी है। तो इसने बहुत ही बड़ी अमाउंट जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले लिया है। बहुत ही बड़ी न्यूज़, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके कारण आने वाले दिनों में इस कंपनी का इंडिया में बिजनेस एक्सपेंड होता दिख सकता है। द कंपनी विच इनॉग्रेटेड द न्यू फैसिलिटी इन नासिक ऑन फ्राइडे विल बी इन्वेस्टिंग मनी इन एडिंग कैपिटल एंड कैपेसिटी अक्रॉस द कंट्री। इट्स कंट्री हेड एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव शर्मा हैज सेड इन द नासिक। अकॉर्डिंग टू हिम, द ABB इंडिया इज प्लानिंग टू invest 1000 crore in the next 5 years for capacity expansion. The new factory spread across 78,000 square feet will help double the gas insulated switchgear production capacity in India. The new facility will manufacture primarily secondary GIS. It will serve the power distribution, smart cities, smart data centers, transport, that is metro, railways, टनल्स, पोर्ट्स, हाईवेज, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इट हैज़ बीन सेड। तो कंपनी जो है एक नई फैसिलिटी जो है वो सेटअप करेगी, जिसके के जो डिफरेंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाएगी। पावर सेक्टर में कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और कंपनी आने वाले दिनों में बहुत ही शानदार रैली शो करती दिखाई दे सकती है। तो आइए इसके कुछ लेटेस्ट फाइनेंशियल भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप देख लो, 66,000 करोड़ का है। PE रेशो देख लो, 64 के अराउंड चल रही है। तो दोस्तों, इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए एकमुलेशन की राइज देंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे, क्योंकि ये जो कंपनीज होती हैं लॉन्ग टर्म में प्लानिंग के साथ चलती हैं। यहाँ पे देखो, दिस कंपनी इज गोइंग टू इन्वेस्ट
2000 करोड़ ऑन द बोल्ट ऑन इक्विजिशंस। तो कंपनी नई इक्विजिशंस भी कर रही है और अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन पे भी काम कर रही है। तो यदि इसका हम एनुअल ग्रोथ का पैटर्न देखें, लास्ट 5 ईयर्स का पैटर्न देखो, रेवेन्यू में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल चुकी है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है और इनकम में भी रैली हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ता दिखाई दे रहा है और मार्जिन में भी शानदार रिकवरी देखने को मिली है। तो लॉन्ग टर्म की ग्रोथ, लॉन्ग टर्म की आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। इस तरह के फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक को हम आपको यही कहेंगे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, क्योंकि ये स्टॉक आपके जो पोर्टफोलियो है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे और रिस्क भी आपका कम हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहें, धीरे धीरे करके एकमुलेशन करते रहें। दोस्तों, स्टॉक की वैल्यूएशन थोड़ी हायर एंड पे जरूर दिख रही हैं। पीई मल्टीपल्स देख लो 65 के हैं, इंडस्ट्री की पीई रेशियो 38 की है। तो इसलिए सिप के थ्रू ही इस स्टॉक में अकमुलेशन करें, जबकि आरओई परसेंटेज और ईपीएस का डाटा बहुत ही स्ट्रांग है। फंडामेंटल्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। ईपीएस जो है 22% की है, और सॉरी आरओई परसेंटेज 22% की है, ईपीएस भी इसका 48 है। तो फंडामेंटल्स आर लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। तो ये कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, डिफरेंट टाइप के ऑटोमेशन रोबोटिक्स प्रोडक्ट्स बनाती है। तो आजकल आपको पता है इंडस्ट्रील में ऑटोमेशन की, रोबोटिक्स की डिमांड बढ़ रही है, तो ये कंपनी भी डिफरेंट टाइप के इस तरह के कंपोनेंट्स बनाती है। दिसंबर क्वार्टर में भी कंपनी के नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिल चुके हैं, रेवेन्यू भी बढ़ गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ गया है और जीएलई बेसिस पे भी बढ़ गया है। प्रॉफिट देखोगे, प्रॉफिट में भी अच्छी रिकवरी अब हो गई है। तो क्लियरली कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश के लिए एक अच्छी बेट हो सकती है। नेक्स्ट, यदि आप इसको 5 से लेकर 10 ईयर्स तक होल्ड कर सकते हो तो आपको 2x से लेकर 3x तक भी आपको रिटर्न्स मिलते दिखाई दे सकते हैं। सो थैंक्स अगेन, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।